बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की सरकार पर हावी होते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ सनमाज चौधरी खुल के ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार के आने के बाद लगातार जंगल राज आ चुका है। इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है, सीधा जुड़ते हैं। सर, बार बार आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जंगल राज वापस आ गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का रटा रटाया पुराना कैसेट अब घिस चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अब जनता भी समझ चुकी है, सत्ता से आउट होती है इनको जंगल राज याद आता है। सत्ता में जब रहेंगे तो चुप हो जाएंगे। क्या हाल था जब सत्ता में बीजेपी थी, अभी एक साल पहले थी ना, एक ही परिवार पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता था। पटना में क्या हाल था, अपराध पर बीजेपी को बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है नहीं। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने, जब से बनी है सरकार, चारों ओर काम हो रहा है, अपराध पर लगाम लगा है, और जो गड़बड़ करने वाले हैं और जो गड़बड़ करेंगे दोनों सलाखों के पीछे होंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अपराध पर बीजेपी क्या बोलेगी, जहां जिनके राज्य में पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े करता है, पहले उस पर न जवाब दे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तभी विकास हुआ है देश का, उसके पहले कल तो प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो पोल ही खोल दिया तेजस्वी यादव जी ने, क्योंकि किस तरह दरभंगा एम्स पर झूठ बोल रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट पर झूठ बोलकर चले गए। अरे, बड़का झूठा पार्टी, अब झूठ इनका पकड़ा जा रहा है तो ये अब छटपटा रहे हैं। जो दरभंगा के सांसद है गोपाल जी ठाकुर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से बयानबाजियों में रह जाए। भाई देखिए, अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही वो बात झूठ साबित हुआ। तेजस्वी यादव जी ने तथ्यों के साथ प्रमाणिक तौर पर दिखाकर पकड़ लिया झूठ। तब स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मांडविया जी ने कहा कि नहीं नहीं, इधर उधर की बात नहीं, सीधा बात करें, दरभंगा एम्स में किसने अड़ंगा लगाया है, भारतीय जनता पार्टी का पोल तेजस्वी यादव जी ने खोल दिया है। और दरभंगा में एम्स बनेगा, अब तो केंद्र सरकार की विदाई का समय है, एम्स बनकर रहेगा, नीतीश तेजस्वी सरकार का संकल्प है। चलिए देखिए, जिस तरीके से लगातार दरभंगा एम्स पे विवाद बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन की सरकार पे हावी होते हुए नज़र आ रही है, अब जिस तरीके से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है, अब देखना लाजमी होगा कि दरभंगा एम्स पे और कितनी सियासत होती है और बिहार में बढ़ते अपराध पे किस तरीके से लगाम लगता है। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।